सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? रिजल्ट का इंतजार शुरू से कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन आज 29 जुलाई हो चुका है और अभी तक CBSE के तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है कि कब रिजल्ट आने वाला है। CBSE ने कुछ नहीं, बस मजाक बना के छोड़ रखा है, बच्चों के साथ इमोशन के साथ खेल रहे हैं और क्या कहा जाए। और हम लोग भी यार शुरू से बच्चों को एक ऑथेंटिक न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे थे, जो CBSE बता रही थी वही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया है क्योंकि ये जो है वो CBSE का खेल है, यहाँ साइड प्रेडिक्शन फेल है। लेकिन क्या किया जाए, बस इंतजार ही कर सकते हैं। अच्छा, एक बार मैं कंबाइन करना चाहूँ कि अभी तक क्या हुआ है, कंक्लूजन अगर बात किया जाए तो कल हमने 28 जुलाई को देखा था। सबसे पहले ये सब जो स्टार्ट हुई थी वो 27 जुलाई को ट्वीट आया था एक DigiLocker की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि क्लास 12th वाले का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, इसलिए आप अपना DigiLocker वेबसाइट जो है डाउनलोड कर ले रहे। और उसके बाद आगे कल 28 जुलाई था और कल जो है वो इनका वेबसाइट क्रैश हो गया था। और वेबसाइट क्रैश का मतलब यही होता है कि भाई रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी तक इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि क्लास 10th का आएगा पहले या क्लास 12th का आएगा। इनका वेबसाइट क्रैश हो गया, सब ने ये सोचा था कि रिजल्ट आने ही वाला है, लेकिन जाके बाद में पता चलता है कि भाई रिजल्ट नहीं आया है। तो बस खेल खेल रही है CBSE और कुछ नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन अगर एक बात करें कि यार देखो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 31 जुलाई तक जो है वो क्लास 10th और 12th का तुम्हें रिजल्ट पैन निकाल ही देना है। तो अगर मान लेते हैं यार कि क्लास 12th का मान लेते हैं 31 जुलाई को निकालता है, तो कम से कम एक दिन का गैप ये रखेंगे। तो उस एंगल से अगर हम बात करें तो आज फाइनली रिजल्ट आना ही चाहिए, आज 29 जुलाई को रिजल्ट आना ही चाहिए, क्योंकि दोनों क्लास 10th और 12th का एक ही दिन नहीं निकाल सकते। क्योंकि इनके वेबसाइट पर जब एक क्लास का रिजल्ट आता है तभी इनका वेबसाइट क्रैश हो जाता है, तो दो में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, सो एक कंफर्म है यार कि एक क्लास का पहले निकलेगा फिर दूसरे का बाद में निकलेगा। 12th का निकलने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जितने भी ट्वीट थे, जितने भी बातें पता चल रही थी, उससे ज्यादा चांसेस ये कि क्लास 12th का पहले निकलेगा। तो यही रीजन है जिसकी वजह से जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि फाइनली आज रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज जो है रिजल्ट आना ही चाहिए उस एंगल से अगर हम बात करें तो। क्योंकि यार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को भाई नहीं कैंसिल कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, वाली भी बात अलग है कि अगर ये कोई रिक्वेस्ट डाले कि ये रीजन, लेकिन क्लास 12th का तो रिजल्ट निकालना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन रहता है, ठीक है, जो कि रहने के चांसेस है ही है, तो आज किसी ना किसी क्लास का जरूर निकलेगा। और कल वेबसाइट क्रैश हुआ था तो आज रिजल्ट आना ही चाहिए किसी ना किसी का। बाकी यार क्या ही बोल सकते हैं, तुम लोग बोलोगे भैया बार बार यही बोलते हो, तो यार मुझे पता है, मुझे खुद भी बोलते हो शर्म आ रही, लेकिन क्या कर सकते हैं, CBSE ने मजाक बना रखा है, हमारा खुद का विश्वास उठ चुका है, एक बुरा सा फील आ रहा है यार कि क्या ही चल रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी यार आज रिजल्ट आना चाहिए, अगर आज रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद फिर क्या ही कह सकते, कुछ नहीं कह सकते यार, हम लोग बस तुम्हें अपडेट देने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी इन सभी के लिए हम लोग यार तुम्हारे लिए लाइव आएंगे, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइव आएंगे, 11-12 बजे आ जाएंगे। सो तुम ज्वाइन हो जाना ताकि जैसे रिजल्ट आए तुम्हें सबसे पहले मिले, तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।